हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत ही टेस्टी नमकीन चावल बनाऊंगी मसाला है मैजिक से। इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दे दूंगी क्योंकि मैंने घर में ही इसे बनाया है। बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार हुआ, उसी से हम नमकीन चावल बनाएंगे। नमकीन चावल मैंने 1.5 कटोरी लिया है, 1 बड़ी साइज की गाजर ली है, दालचीनी के कुछ टुकड़े लिए हैं, छोटी इलायची मैंने 3 ली है, 2 बड़ी इलायची मैंने ले लिया है, स्वीट पोटैटो मैंने लिया है 2 छोटे साइज के हैं, 1 मैंने चुकंदर लिया है और इसका हाफ पोर्शन मैं काटूंगी, 2 टमाटर हम डालेंगे, थोड़ी सी हरे प्याज डालेंगे, देखिए थोड़ा ही मैंने रखा है। मसाले मैजिक मैं डालूंगी वो अपने मैंने जो बना रखा है उसमें से डालूंगी, और ये है ब्रोकली, ब्रोकली का थोड़ा सा हिस्सा। चलिए हम इन सब चीज़ों को पहले कट कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपको दिखा रहे हैं कैसे हम इस नमकीन चावल को बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी होगा और काफ़ी डिलीशियस होगा। इसके लिए मैंने बासमती राइस ली है, आप अपने कोई भी रेगुलर राइस भी ले सकते हैं। पहले हम राइस को भिगो दें थोड़ी देर धुल के अच्छे से, 3 से 4 पानी इसे धो लीजिए, उसके बाद फिर इसे भिगो के रख दीजिए। स्वीट पोटैटो की स्वीटनेस है इसके अंदर और मिर्च का तीखापन है, काफ़ी टेस्टी है, और टमाटर की खटास। जो मैंने मिर्च का अचार यूज़ किया था उसने हमारे पुलाव में 4 चांद लगा दिया। एक बार आप इसी तरह मिर्च के अचार और मैगी मसाला मैजिक के साथ नमकीन चावल बनाइए तो आप कहेंगे वाह मुझे पहले क्यों नहीं पता था। हम पहले थोड़ा सा फिगारो ऑयल डालेंगे 1 छोटे टेबल स्पून, इसके बाद इसके अंदर मैं दालचीनी 3-4 टुकड़े और 2 इलायची छोटी और 2 बड़ी डाल दे रहे हैं। छोटी इलायची से अलग फ्लेवर आता है और बड़ी इलायची का फ्लेवर हमेशा स्मोकी रहता है। इसके बाद आप डाल दीजिए इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, और अब देखिए हम इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, तब तक मैं डाल दे रही हूँ अदरक। अदरक मैंने 1.5 इंच काटी है क्योंकि अदरक का फ्लेवर मुझे काफ़ी पसंद आता है। मैंने बड़े बड़े चंक्स में इसे काटा है क्योंकि कभी कभी चंक्स वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और पेस्ट उसका कम, अपनी अपनी टेस्ट है। अगर आपको पेस्ट पसंद हो तो आप पेस्ट डाल लीजिएगा। मैं इसके अंदर देखिए ग्रीन वाली ओनियन डाल रही हूँ, थोड़ा सा सादा प्याज का, प्याज की बजाय मैंने आज सादा का यूज़ किया है। फ्लेम को हम कम कर लेंगे एकदम कम, तेल गर्म होने के लिए मैंने फ्लेम तेज रखा था। और आप इसके अंदर मैं मक्खन डालूंगी, मक्खन थोड़ा हम ज़्यादा डाल रहे हैं, घर का बना मक्खन है, तेल मैंने कम डाला था ताकि हमारा पैन जले ना। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अब थोड़ी सी हमारी प्याज का कलर भी चेंज हो गया। लहसुन मैंने लिया है, आजकल हरे लहसुन काफ़ी अवेलेबल हैं तो आपको अगर पसंद है तो हरे लहसुन डाल दीजिए। मैंने अपने बगीचे की प्याज लहसुन वगैरह डाली है, कुछ सब्जियां मेरे बगीचे की हैं और कुछ मैंने मार्केट से मंगाया है। अब देखिए हम गाजर और अपन स्वीट पोटैटो डाल देंगे और इन्हें थोड़ी देर हम अच्छे से भूनेंगे, और इसी के अंदर हम ब्रोकली भी डाल दे रहे हैं। और मैंने चावल और मटर, हरी मटर दोनों एक साथ धुला और भिगो के रखा है, बड़े बड़े मैंने टुकड़ों में काटा है, आपको दिख रहा होगा ये गोभी मैंने काफ़ी बड़ी काटा है, अगर आप छोटी चाहते हैं तो छोटी काट लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर नमक डाल देंगे ताकि साल्ट डालने पे काफ़ी अच्छे से सब्जियां गल जाती हैं और अपने पानी छोड़ देती हैं। इसके अंदर हल्दी डालिए, नमक डालिए, 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी डाल दे रहे हैं, 1 टेबल स्पून मुझे नमक डालना होगा क्योंकि चावल थोड़ा ज़्यादा है और सब्जियां भी ज़्यादा हैं तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला। और इसमें हम मैजिक के मसाला यूज़ करेंगे, उस रेसिपी को मैंने घर में बनाया है मसाला की और अपलोड कर दिया है, मैं उसका लिंक आपको ज़रूर दे दूंगी, जिससे काफ़ी टेस्टी हो जाती है ये पुलाव या नमकीन चावल। थोड़ा सा हम गर्म मसाला भी डाल लेंगे, 1/2 टेबल स्पून मसाला मैजिक भी मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ जो मैंने घर पर बनाया है। इसे मैंने छाना नहीं था, आप चाहें तो मसाला बनाने के बाद छान लीजिएगा। देखिए इस तरह से हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी जो सब्जी है वो काफ़ी अच्छे से भुन गई है। अब देखिए मैंने मटर और अपने चावल जो धुले थे उन्हें भी मिक्स कर दूंगी, सारी सब्जी में हम इन्हें मिक्स करके अच्छे से, थोड़ा सा पानी मैंने चावल में रखा था और थोड़ा सा और डाल दूंगी पानी में। देखिए अदरक रखी है और ये अदरक मैंने पानी में रखा था, इसका पानी चेंज करना है तो ये अदरक का पानी मैं डाल दे रही हूँ, ये करीब 1 ग्लास है पानी, यानी 1 कप पूरा पानी, 1.5 कप पानी मैंने देखिए डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा पानी
हम और डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है कि चावल पूरी तरह से ढक जाए। जैसे 2 कप करीब पानी मैंने डाल दिया है, कंप्लीट 2 कप।